एक पेशकश करूं कि देखो आप फिल्में बनाते हो, हम तो इसको गलत समझते हैं, चलो आप जो कर रहे हो, लेकिन आपको अगर हुकूमत सऊदीया बुला रही है ना तो आप एक्सक्यूज़ कर लेते हैं। आप कहते हैं ये जैसे दीगर मुसलमानों का क़िबला है मेरा भी क़िबला है, तो इसके लिए इंडिया ठीक है, मैं अरब कंट्रीज़ में ये कम से कम सऊदीया जैसे मुक़द्दस मुल्क में ये काम नहीं कर सकता मैं, तो इससे आपकी इज़्ज़त बहुत बढ़ जाती। शायद अल्लाह बख्शिश का ज़रिया बना देता इस चीज़ को। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to मुफ्ती तारिक मसूद, famous scholar। नामहरम औरतें जो आपका बयान सुनती हैं, जब आप बयान में मिजाह करते हैं तो वो भी हंसती हैं होंगी, इसका गुनाह सिर्फ उनको होगा या आपको भी होगा? यानी भाई वीडियो ना बनाए ना, यानी इन्होंने फ़र्ज़ कर लिया गुनाह तो होगा ही होगा। अब ये फैसला करना है कि सिर्फ मुझे होगा या उनको भी होगा, तो पहले आपने ये फ़र्ज़ क्यों किया कि गुनाह होगा? देखो नामहरम का मतलब क्या है, नामहरम की तरफ तबीयत माइल हो रही हो, वो नाजायज़ मैलान जिसे कहते हैं। नामहरम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबियात के लिए थे ना, लेकिन आपने फरमाया कि कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने माल से, औलाद से, हर एक से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। तो उनमें सहाबियात भी थीं, लेकिन मोहब्बत की किस्म होती है। एक मोहब्बत जिसमें शहवत का गलबा होता है, ख्वाहिश का गलबा होता है, वो तो औरत अपने शौहर के अलावा किसी से भी नहीं, वो तो भाई से भी नहीं कर सकती, वो किसी से भी नहीं कर सकती। और एक मोहब्बत वो होती है जो किसी के तकवे की वजह से हो और किसी से अक़ीदत की वजह से हो, लेकिन उसमें वो ख्वाहिश का गलबा ना हो। अब रहा ये मसला कि एहतियात इसी में है कि खातून किसी जवान आदमी को ना सुने तो ज़्यादा एहतियात है, क्योंकि आजकल फ़साद का दौर है। तो मैं तो नहीं कहता कि जवान लड़कियां मेरे बयानात सुने, किसी को भी ज़रा सा भी अंदेशा है कि कोई खुदा ना ख्वास्ता कोई नेगेटिव ख्यालात आ रहे हैं, अव्वल तो कोई आने का, मैं कोई फ़िल्मी अदाकार तो हूँ नहीं हैं, लेकिन अगर किसी के दिल में ऐसी फीलिंग पैदा हो रही है तो भाई उसके लिए हराम है सुनना। हंसना तो दूर की बात, सुनना भी हराम है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है किसी का मैसेज आ गया, आपके बयान का बहुत ज़्यादा शौक़ है, दिन रात में ही सुनती रहती हूँ, मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये बयान का इतना शौक़ किसी को होता नहीं है। तो मैं कहता हूँ आप ना सुने, आप मौलाना तारिक मिल साहब का सुन लिया करें, या और बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका सुन लिया करें, हम तो वैसे भी बुज़ुर्ग नहीं हैं। तो जहाँ ज़रा सा भी फितने का अंदेशा हो वहाँ पाबंदी लगाई जाएगी। अब ये कि 4 औरतों को फितना हो रहा है तो उसके लिए 4000 पर हम पाबंदी लगा दें, ये तो अकल की बात नहीं है ना। या मैं बुरक़ा ओढ़ के बैठूँ यहाँ पर, तो ये तो नहीं होता। मर्द को तो अल्लाह ने इजाज़त दी है जहाँ चाहे जाए, औरत पर पर्दे का हुक्म है। ये भी खूब समझ लें कि पर्दे का हुक्म औरत को है, आदमी को नहीं है। अगर किसी आदमी को देख के किसी औरत को फितना हो रहा है, जो कि होता नहीं है आमतौर पर, तो फिर उसमें औरत को हुक्म दिया जाएगा, आदमी को नहीं कहा जाएगा कि आप आना छोड़ दें। आदमी तो फिर आदमी किस बात का है भाई वो, ठीक है। तो फितने का जहाँ अंदेशा होगा वहाँ जायज़ नहीं है, लेकिन जहाँ अंदेशा नहीं है तो वहाँ लतीफ़ा भी हो और हसीन आए तो वो तो लतीफ़े की तौहीन है ना। तो ना महरम को भी हंसी आएगी, महरम को भी हंसी आएगी। इसमें हंसने पर गवर्नमेंट ने भी कोई पाबंदी नहीं लगाई, अल्लाह ने भी कोई पाबंदी नहीं लगाई, समझते हो। और दूसरा, फितना आम तौर पर वहाँ नहीं होता जहाँ आप किसी का बयान सुन रहे हैं, चाहे वो जवान हो बूढ़ा हो। फितना जब होता है जब आपका रिलेशन हो जाए। देखो ये फिल्मी एक्टर तो बहुत खूबसूरत होते हैं, बड़े हैंडसम होते हैं, इनको तो मिस्टर वर्ल्ड के इनामात मिले हुए होते हैं, लेकिन इनसे किसी को फितना नहीं होता कि जी बॉलीवुड की फ़लाँ एक्टर पे पाकिस्तान की एक लड़की आशिक हो गई। इसलिए आशिक नहीं होती कि आपस में लिंक नहीं होता, फिल्में देखने से इश्क पैदा नहीं होता, उससे लिंक नहीं होता। जहाँ सलमान खान से फ़ोन पे अगर बात हो गई किसी खातून की, अभी वहाँ सऊदी हुकूमत ने बुलाया ना एजाज़ देने के लिए, मुझे ख्याल हुआ मैं एक सलमान खान को एक पेशकश करूँ कि देखो आप फिल्में बनाते हो, हम तो इसको गलत समझते हैं, चलो आप जो कर रहे हो, लेकिन आपको अगर हुकूमत सऊदीया बुला रही है ना तो आप एक्सक्यूज़ कर लेते। आप कहते ये जैसे दीगर मुसलमानों का क़िबला है मेरा भी क़िबला है, तो इसके लिए इंडिया ठीक है, मैं अरब कंट्रीज़ में ये कम से कम सऊदीया जैसे मुक़द्दस मुल्क में ये काम नहीं कर सकता मैं, तो इससे आपकी इज़्ज़त बहुत बढ़ जाती। शायद अल्लाह बख्शिश का ज़रिया बना देता इस चीज़ को, इसी चीज़ को बख्शिश का ज़रिया बना देता। आप कहते भाई ठीक है जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो मेरा पर्सनल मामला है, लेकिन ये अर्ज़ मुक़द्दस जैसे दीगर मुसलमानों के लिए मुक़द्दस है, मेरे लिए भी मैं यहाँ आऊँगा उम्रा करने के लिए, मैं यहाँ आऊँगा अल्लाह के घर का तवाफ़ करने, इस काम के लिए मैं इस जगह को यूज़ नहीं करूँगा। तो अब भी मौका है, अगर ये कह दे तो बहुत बड़ी खुशी होगी हम सबको, बहुत खुशी होगी। तो और चलो उन्होंने नहीं किया, बाकी दीगर अदाकारा से हम, एक्टरों से हम ये कह देते हैं जो मुस्लिम हैं कि भाई अगर आपको हुकूमत सऊदिया बुलाए तो आप एक्सक्यूज़ कर लो, बोले एक्सक्यूज़ मी सर ये मुक़द्दस जगह है। अब देखो कोई डांसर को कोई हरम में बुलाए नाचने के लिए तो वो नहीं जाएगा ना, कोई सिंगर को कोई मस्जिद में बुलाए कि आपने गाना गाना है, वो कहेगा भाई ये इबादत की जगह है, इसके लिए आप क्लब में आ जाएं। तो ये तो जज़ीरे अरब है, ये तो मुसलमानों का मरकज़ है, ये तो यहाँ तो मक्का मदीना है, यहाँ तो हज तवाफ़ ये सब चीज़ों के लिए ये जगह सूटेबल है। अब बादशाह सलामत ने तो जो कर लिया, बादशाह को तो कोई नहीं कुछ कह सकता ना, बादशाह को तो छिड़ के देखो तो आप खुद छिड़ जाओगे बहुत ज़्यादा, सही है ना, बाद में आपने ही एक्सक्यूज़ करना है। तो बादशाह के पास तो ताकत होती है, लेकिन आप एक्सक्यूज़ कर लेते तो हमें खुशी होती। खैर मैं बता रहा था कि सलमान खान की फ़िल्में देख के कोई औरत आशिक नहीं होगी, आशिक जब होगी जब सलमान खान की मिस कॉल चली जाए किसी खातून के पास, अस्सलाम वालेकुम, और यहाँ से जवाब वह वालेकुम, बस यहाँ से अब मामला सलमान खान फितने में नहीं आएगा ठीक है ना। तो जब आपका रिलेशन होता है ना, मसला जब फिल्मों ड्रामों के अलग नुकसानात हैं, मैं नहीं कह रहा कि उसके नुकसानात, लेकिन उससे उन एक्टरों से मुआशका नहीं होता। फिल्म में जितनी मर्जी खूबसूरत हीरोइन हो, जो फिल्म देखने वाला लड़का है वो उस पर आशिक नहीं होगा, उसको पता है मेरा इससे क्या रिलेशन, ये मुझे किधर लिफ्ट कराएगी। लेकिन किसी हीरोइन की आपको मिस कॉल आ जाए, उसने आपसे खैरियत पूछ ली, आपकी नींदें उड़ जाएंगी। यहाँ फितना खड़ा होता है, समझते हो कि नहीं समझते। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ जो इंडियन फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, गलत करते हैं, अच्छा नहीं करते, लेकिन उसके नुकसानात इतने नहीं हैं जितना फेसबुक पे आईडी बना के लड़कियों से राब्ते के नुकसानात हैं, या लड़की फेसबुक पे आईडी बना के लड़कों से राब्ते शुरू। ये तबाही है, इससे घरों से भागने के वाक़यात भी होंगे। मैरिड लड़कियां मैंने खुद ख़राब होते हुए देखी हैं, ऐसी शादीशुदा लड़कियां जो बहुत पाकीज़ा, बहुत पाकदामन, वो तो शादी पे आमादा नहीं थी कि भाई हमने नहीं, यानी उनको मर्दों से इतनी नफरत थी, लेकिन फेसबुक पे आईडी बनी है, शादी के बाद 6-6 बच्चे होने के बाद ख़राब हुई हैं वो, क्योंकि फेसबुक पे किसी से सलाम दुआ शुरू हो गई, और शुरू में तो बहन बना के सलाम दुआ होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता तस्वीरें आपस में पार्सल करना शुरू, फिर उसके बाद मियाँ मखनचू की तरह बैठा हुआ है बेगम मार्केट से शार्ट, फिर हमारे पास आ रहे हजरत मैं जब भी घर जाता हूँ बेगम नहीं होती। तो बड़े अजीब अजीब वाक़ियात हैं। मैं नहीं कह रहा बदगुमानी करें आप, तो फेसबुक पे आईडी या यानी जब आप पर्सनल नंबर शेयर करते हैं ना किसी के साथ, फिर फितने के अंदेशे खड़े हो जाते हैं, समझते हो। तो मुफ्ती तारिक मसूद अगर वीडियो पे आ रहा है, बयान कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसको देख के किसी खातून को कोई फीलिंग वीलिंग टाइप की चीज़ें पैदा होंगी। फीलिंग जब होते हैं जब मिस कॉलों का तबादले शुरू हो जाए, हेलो हाय शुरू, और भी आप भी खैरियत से, मैं भी खैरियत से हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, आप भी मुफ्ती साहब अपना ख्याल रखिएगा, बस यहाँ से क्या मुफ्ती साहब को भी खोपड़ी घूमना शुरू और खातून की भी खोपड़ी घूमना शुरू। तो मैं तो कहता हूँ लोगों से कि मुफ्ती पहले आदमी होता है, बाद में मुफ्ती होता है, तो इसलिए हम भी एहतियात करते हैं। मैं भी नहीं बातें करता ख़वातीन से, तो मुझे वैसे भी अब ख़वातीन की बात इतना सा मसला पूछना होता है, वो उसको इतना लंबा खींच के बयान करती हैं। अभी कुछ दिन पहले खातून ने बताया कि मैं 1975 में पैदा हुई, यहाँ से बात शुरू की, हालांकि इसका उनके जो मसला पूछना था इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। 1975 में फिर मैं यूँ, फिर यूँ होते होते अब मियाँ ये कर रहा है, तो अबे इसका 1975 के पैदा होने से क्या ताल्लुक़ है यार, वो 76 में पैदा होती तो भी यही मिलता आपको मियाँ। और मैं आपको मर्दों की शरारत बताऊँ, मर्द क्या करते हैं कि चलो खातून बेचारी वो तो ना समझी में बात तूल दे देती है ना, बाज़ ख़वातीन, सब ख़वातीन की बात नहीं कर रहा जो बयान सुन रही हैं उनके अलावा की, तो जो बाज़ ख़वातीन तूल देती हैं बात को, तो आदमी को चाहिए कि वो शॉर्ट कर ले, बंदा भी तूल देना शुरू करता है, तो औरत को समझ जाना चाहिए ये बंदा ठीक नहीं है, ये किरदार का ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पर खातून ने अब मसला पूछते हुए बता दिया मैं 1975 में पैदा हुई, आपने भी कहा मैं भी 75 में पैदा हुआ, या मैं 78 में पैदा हुआ, तो भाई तुम क्यों बता रहे हो तुम कब पैदा हुए, उसने पूछा तुमसे कब पैदा हुए, ये भी शुरू हो जाते हैं, फिर डिटेल में तफसील से हर बात का जवाब देना स्टार्ट। तो ये बंदे के भी गड़बड़ होने की अलामत हो, भाई टू द पॉइंट बात करो, हाँ या ना में जवाब दो, पतली गली से निकलो। वो तो बेचारी खातून है ना समझ, उसको बास खवातीन होती हैं बातें बहुत ज़्यादा करने की आदत होती है, वो तो इसलिए कर रही हैं, और आप बहुत तफसील से समझाना आपने शुरू कर दिया, तो ये भी गड़बड़ की अलामत होती है। एक खातून ने मुझे बताया कि एक जवान आदमी है, लड़का है, मुझे पढ़ाता है, तजवीद पढ़ा रहे हैं ना इंटरनेट पर। तो मैंने कहा आप खातून से पढ़ें, अब लड़के से क्यों? कह रही मैंने जब उनसे पढ़ती हूँ तो वो मुझसे पहले, वो इंग्लैंड की थी, कह रही मुझसे पहले मौसम का हाल पूछते हैं, इंग्लैंड में बर्फ़बारी हो रही है, मौसम कैसा है, घर में खैरियत है सब। तो मैंने कहा उनसे बोलें आप कारी साहब हैं, आप पढ़ाएँ और पतली गली से निकलें, खैरियत पूछने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए मेरा मियाँ है जो मुझसे हर वक्त खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह पूछता है, तो क्यों खाम खामे। तो यहाँ होता है गड़बड़। तो वीडियो बयान सुनने से मेरी मालूमात के मुताबिक कोई इतना बड़ा मसला है नहीं। इंटरनेट पे बड़े बड़े हैंडसम स्मार्ट लोग पड़े हुए हैं, बड़े बड़े खूबसूरत लोग पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी किसी को फितना हो रहा है तो उसके लिए सुनना जायज़ नहीं है। और ये बात खूब जहन में रखो कि ये जो ज़माना ऐसा है कि इसमें अगर हमने देखा ना इस काम में साइड इफ़ेक्ट क्या आएँ और इस बेस पे कामों पर पाबंदी लगा दी तो आप दीन का कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इस्लामी हुकूमतें नहीं है। अभी देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव को मिला के देखना है, फ़ायदा किस में ज़्यादा है और नुकसान कम किस में है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे करोगे तो नुकसान ना हो, हर काम में कुछ नुकसानात हैं। तो उसमें आपको ये करना है कि फ़ायदा किस में है, नुकसान किस में है। तो इसकी बहुत सारी मिसालें फिर कभी देंगे इंशाअल्लाह।